So today is like our day 3 of our Himachal Pradesh safari. Today we will be moving towards Kasol. यहाँ पे दो दिन भीड़ पे रहना हो गया. अब थोड़ा रोड जर्नी है और बाकी के लोग जो हम लोगों के साथ थे ग्रुप बना के उन लोगों को भी बाय बाय बोलने वाले हैं बिकॉज दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स धर्मशाला एंड दिस इज ट्रिपी ट्राइब. ये भी भीड़ के लैंडिंग साइट के बहुत नजदीक है बट इसका प्राइस थोड़ा कॉस्टली है बट इट्स गुड. फिर मिलेंगे चलते चलते. चलो तो इट्स लाइक 5 hours जर्नी फ्रॉम हियर. चलिए भैया so on the way to Kasol, we are here at Mandi. This is the IIT Mandi, Indian Institute of Technology. बहुत बड़ा कैंपस बनाया है यार ये लोगों ने. अभी भी 3 घंटे का सफ़र है. थोड़ा सफ़र लंबा होने वाला है. रास्ता थोड़ा बहुत अप डाउन बहुत zigzag है तो थोड़ा बहुत मोशन सिकनेस भी हो रहा है बट या आई कैन हैंडल इट. So reached Kasol, our ultimate destination for the day, and it was like 5 hours drive from Bir. And talking about Kasol, it lies on the beautiful Parvati River and also located between Manikaran and Bhuntar. So ये जो रास्ता पीछे आप देख रहे हो ये सीधा जा रहा है towards Manikaran और इधर है हम लोग आए जो Bir से. हम लोग का होटल जो है वो वहाँ पे है Kasol Wooden Cottage. थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा. And basically needless to say, this place is like heaven for all the backpackers and nature lovers. तो चलिए मेरे साथ मैं आप लोगों को Kasol घुमाता हूँ और जितना भी कैफेज वगैरह है यहाँ पे वो भी दिखाता हूँ. चलिए मेरे साथ. सो वी जस्ट रीच्ड एट Kasol Wooden Cottage जो कि मार्केट से बहुत नज़दीक है. एंड घुसते ही जो मेरे को सबसे पहले नज़र में आया दैट इज द वर्क स्टेशन हियर. पीपल आर डूइंग वर्क फ्रॉम माउंटेन. इट लुक्स अमेजिंग. कितना नाइस सेटअप है देखो. यहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग. यहाँ पे लोग बैठ के ऑफिस का काम भी कर सकते हैं. वाओ सुपर. खास बात है दैट इज द बैल्कनी व्यू. हम लोगों ने जानबूझ के ये बैल्कनी व्यू वाला रूम ही लिया हो. सो रीच्ड Kasol ऑन टाइम एंड ये जो प्रॉपर्टी है पूरा आप देख सकते हो. यहाँ पे आज और कल हम लोग रहने वाले हैं. लिटरली आई गॉट स्पेल बाउंड. एंड उधर देखो दूर पहाड़ों में बर्फ गिरा है. This was unexpected. जो मार्केट एरिया है ना वो थोड़ा उधर है. वहाँ से 5 मिनट वॉक करके हम लोगों को इधर आना पड़ा. मेरे को सबसे खास लगा जो यहाँ का जो एंट्रेंस पॉइंट है. अभी हम लोग बैग रूम पे रख के सीधा आ गए Kasol मार्केट एंड एज प्रोमिस्ड वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर द फर्स्ट कैफे दैट इज मून डांस कैफे. सो एज यू कैन सी सच अ नाइस सेटअप. ऊपर छाता भी है अगर बारिश होता है तो दैट विल प्रोटेक्ट यू. उधर भी लोग बैठे हैं सामने भी लोग बैठे हैं और ऊपर आप रूफ पे भी बैठ सकते हो और इधर लाइव म्यूजिक चल रहा है. व्हाट्स देयर फॉर टुडे इन द इवनिंग बफे. फर्स्ट इज सेइंग लाइक बकेट ऑफ बियर देन सेइंग बाय एनी व्हिस्की एंड गेट एनी महाराजा पेटा. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हिस्की. अच्छा वन थिंग, अगर आप Kasol आ रहे हो तो इजरायली फूड जरूर टेस्ट करना बिकॉज Kasol को तो वैसे भी जाना जाता है मिनी इजराइल ऑफ इंडिया. वैसे तो हम लोग ये बियर या व्हिस्की किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रखते अभी तो लाइक वी विल बी हैविंग फिश और डिफरेंट इजरायली फूड. आप लोग यहाँ पे बैठ के कैफे का मजा ले रहे हो और पीछे वहाँ पे पहाड़ों में बर्फ गिर रहा है. आई कैन सी लाइव स्नोफॉल देयर. वो देखो स्नो क्लाउड है यहाँ पे. सो वी हैव जस्ट ऑर्डर शक्शुका. तो अर्णव जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शक्शुका लाइक कैसे बनता है. फर्स्ट पार्ट कैफे वाला पार्ट आपने देखा. ये सेकेंड कैफे पे हम लोग आ गए हैं. कैफे का नाम है पंच तारा और आज यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी है और प्रोग्राम भी है. तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे है.
शॉट खेल रहे। बेसिकली कल रात का जो टेम्परेचर था इट वॉज अराउंड 7-8 डिग्री, उसके कंट्रास्टिंग में आज सुबह थोड़ा बहुत गर्मी है। सो राइट नाउ आई एम हियर विद तरुण भाई जो ये कासोल वुडन कॉटेज का देखभाल करते हैं। तो तरुण भाई आप बोलिए इसके बारे में, लिए कब बना, आप लोग इसको कैसे मेंटेन कर रहे हो? 3 साल से मैं हैंडल कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, बाकी 2009 में प्रॉपर्टी बना हुआ है। अक्टूबर मंथ अच्छा रहता है, अक्टूबर अच्छा रहता है। हाँ, अभी नवंबर ऑफ सीजन आएगा, फिर दिसंबर न्यू ईयर टाइम फिर क्राउड। तो दिसंबर जनवरी में पूरा ये जगह बर्फ रखा हुआ रहेगा? पूरा बर्फ। तो क्या रूम का भाव भी तब बढ़ जाएगा या सेम रहेगा? प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, बर्फ बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट आपको कॉल करके बुकिंग करने से ठीक रहा, क्योंकि ऑनलाइन साइट पे बहुत उल्टा पुल्टा दिखाता है। डायरेक्ट बुक करके अच्छा है, डायरेक्ट बुक करके अच्छा है। कल रात को हम लोग 2 कैफे विजिट किया था, ये तीसरा कैफे है। मेरा रिकमेंडेशन में एवरग्रीन का नाम भी बहुत ऊपर में था, तो वो भी आज कर लेते हैं। लेट्स गो इनसाइड, चलो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे फोर्ट चलाल। फ्रॉम द कैफे इटसेल्फ लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, दैट इज द स्नो कैप माउंटेन। हाँ, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था सेप्स स्पेशल ब्रेकफास्ट, ठीक है, जहाँ पे हमस भी है विच इज़ लाइक इजरायली फूड, एंड ये फ्रेंच फ्राई, और ये थोड़ा बहुत शक्शुका भी है, और एक नान भी दिया है। सो लेट्स फिनिश दिस इन नो टाइम बिकॉज आई एम वेरी मच हंग्री। सो दिस इज़ द मेन रोड ऑफ कासोल, दोनों साइड मार्केट है, और इधर से एक टर्न लेके आपको जाना पड़ेगा टुवर्ड्स चलाल। तो आपको अगर याद होगा यहाँ पे कल हम लोग आए थे पंचतारा रेस्टोरेंट पे, तो दिस इज़ पंचतारा, सामने दिख रहा है, दिस इज़ द लैंडमार्क। सो याद रखना पंचतारा से लेफ्ट मार के आप लोगों को स्टार्ट करना है फोर्ट चलाल। बेसिकली ये वॉकी है, कोई ट्रेक और हाइकिंग नहीं है। 30 मिनट चलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएगा चलाल विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ पार्वती रिवर। बेसिकली देखा जाए तो कासोल ऑलवेज टेक द स्पॉटलाइट, और यू कैन से द लाइम लाइट ऑफ एंटायर हिमाचल प्रदेश, अगर आप ये साइड आ रहे हो कुल्लू मनाली छोड़ के। बट ये जो चलाल विलेज है जो कासोल के एकदम नज़दीक है, यहाँ पे भी आप लोग जाके एंजॉय कर सकते हो। दिस इज द ब्रिज विच कनेक्ट्स कासोल विथ चलाल। तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे टुवर्ड्स चलाल साइड, और नीचे देख सकते हो इन फुल फ्लो रिवर पार्वती इज फ्लोइंग, जिसको बेस करके ये कासोल चलाल ये सारे विलेजेस वगैरह यहाँ पे बसते हैं। तो हम लोग अभी ब्रिज क्रॉस करके इधर चलाल के साइड आ गए, और सीधा सिंपल वॉक करके जाना है टुवर्ड्स द मेन चलाल विलेज एंड फ्रीडम कैफे। ये पार्वती रिवर को आप देख ही सकते हो, पूरा रास्ते पे आपको मिलेगा। मेरे को जाते जाते बहुत ही शानदार कोटेशन मिला, लाइक इफ यू थ्रो प्लास्टिक इन पार्वती विल थ्रो यू इन द पार्वती रिवर इटसेल्फ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे कचरा लिटर्स वगैरह कुछ मत फेंको। देखो चारों तरफ कैसे ये लोग सब गंदा करके गए, दिस इज लाइक अ सैड थिंग। अरे भाई ठीक जगह पे फेंको ना, इधर उधर मत फेंको, और पहाड़ों को ऐसा गंदा मत करो। एक और चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि पूरा पार्वती नदी के साइड में ना पूरा ऐसा फेंसिंग लगा हुआ है, दैट इज़ लाइक ए गुड थिंग फॉर द सेफ्टी पर्पज। अगर जाओगे तो अपने डिस पे जाओगे, पर बेसिकली आप जा नहीं पाओगे क्योंकि फेंसिंग लगा हुआ है। जस्ट माइंड योर स्टेप, हाँ पूरा रिस्की है। तो हम लोग इधर से जाएंगे पार्वती रिवर के एकदम नज़दीक, तो यहाँ पे फोटो वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखो दिस इज द व्यू दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आजा आजा, जस्ट लुक एट दिस व्यू। जस्ट नाउ सिटिंग बिसाइड पार्वती रिवर, बहुत ही सुंदर आ रहा है, यहाँ बैठ के पूरा दिन में निकल सकता हूँ, ऐसा व्यू है।
बट ये जगह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे मैं पूरा दिन बैठ सकता हूँ। और ये जो रेस्टोरेंट वगैरह है ना, इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। देखो रिवर व्यू है सामने, ये जो रिवर व्यू रेस्टोरेंट, यहाँ से पूरा खाते हुए आपको पार्वती नदी का व्यू मिलेगा। तो वी आर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन दैट अर्नब रिसेंटली कम्प्लीटेड KGL कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक एंड मैंने गोमुख तपोवन ट्रैक कम्प्लीट करके आया हूँ जस्ट 3 हफ्ते पहले। तो उसके सामने ये रास्ता तो एकदम बच्चा है, कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी दे दो, हम लोग तूफानी करने के लिए रेडी है बेसिकली। सो आई जस्ट आस्क ए गाय हु वॉज कमिंग लाइक फ्रॉम द टॉप, उसने बोला कि इज लाइक 15-20 मिनट का जर्नी है। तो देखो लोग एक एक करके ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू डू कैंपिंग बिसाइड पार्वती रिवर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ओम हिमालयन कैंप एंड कैफे, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। कैंप ऑलरेडी है, लोग यहाँ पे है और एकदम पार्वती नदी के किनारे है। बट इसका डिसएडवांटेज एक ही है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड होगा। सो अभी इट्स नाउ अराउंड 2:30 इन द आफ्टरनून एंड वी जस्ट नीड टू रश टुवर्ड्स फ्रीडम कैफे बिकॉज भूख भी लग रहा है थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा नया वाला कैफे होम स्टे बन रहा है, चारों तरफ आप पोस्टर देख सकते हो लगा हुआ है। ये जो मतलब नेचर का व्यू है, एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जितना ज़्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कैफे वगैरह करोगे ना, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो बिगड़ता है। अभी हम लोग नदी का रास्ता छोड़ के ये एक शॉर्टकट लिया टुवर्ड्स फ्रीडम कैफे। तो सीधा रास्ता बोल के देखो कहाँ कहाँ से शॉर्टकट मार के हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स फ्रीडम कैफे। सो फाइनली वी रीच्ड द मच अवेटेड POP जिसका नाम है फ्रीडम कैफे। चलो अंदर चलते हैं, पायरेट्स अब पार्वती। एम्बियंस तो बहुत सही है और उधर रूपटॉप से व्यू भी मिलेगा पूरा पहाड़ों का। इधर म्यूजिक चालू है अभी। भैया कहाँ पे बैठे? दो लोग हैं क्या अंदर? सो वी आर डन हियर एट पायरेट्स ऑफ पार्वती फ्रीडम कैफे। खाना ठीक ठाक ही था, कुछ खास भी नहीं कुछ ख़राब भी नहीं, ठीक ठाक था। मुझे ऐसा लगा कि इट्स क्वाइट ओवर हाइप, क्योंकि इतना दूर चल के आ रहे हो और इधर आके सब कुछ ठीक ठाक ही है, मतलब इतना खास भी नहीं है बट इतना ख़राब भी नहीं है, लाइक वन टाइम वी कैन कम राइट। और यहाँ पे रहने का जगह भी है तो बहुत सारा रूम मेरे को दिख रहा है, नंबरिंग है। सच बताओ तो इट वॉज लाइक एवरेज टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअली पहले वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, अभी वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया है इसीलिए व्यू ब्लॉक हो गया। अदरवाइज इट्स अ चिल प्लेस, यहाँ पे एक इवेंट भी होता है तब थोड़ा हिप्पी वाइब होता है यहाँ पे। देखो मैंने बहुत सारा खाना नहीं खाया बट मेरे को लगा हाँ ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत ख़राब भी नहीं है। इसके लिए चल के नहीं आते सब, मतलब ऐसे ही छलाल का ट्रैक भी हो जाता है और ये भी इसके वजह से बताओ ऐसे ही हाइक करना है तो यू विल गेट गुड व्यूज ऑफ पार्वती। या एंड हो सके तो वो कैंपिंग करना, वहाँ पे सारे कैंपिंग वगैरह लगा हुआ है तो मेरे को भी मन था। नदी का आवाज भी आएगा। हाँ नदी का आवाज भी आएगा। नीड टू रीच कासोल एज अर्ली एज पॉसिबल। बेसिकली वी आर डन विद 3 कैफेज, तो एक और एक दो कैफे और है राइट। नेक्स्ट प्लान है कि जो मामास कैफे है एट कासोल वहाँ पे हम लोग जाएंगे। बस बादल दिख रहे हैं अभी। Bro, we need to cross this path as soon as possible because we are not carrying anything to protect from rain. And right. Basically, we don't want to get drenched. यहाँ का जो ठंडा है ना कसोल का रात का, क्योंकि इसके बाद हम लोग तोश भी जाएंगे. So मुझे भीगना नहीं है. तो okay, let's get down as soon as possible before it starts pouring. Yeah, अभी it's around 4:45 in the evening. सनसेट का टाइम है, उधर से सनसेट हो रहा है पार्वती रिवर के जो वैली है उसके पीछे, उसके साथ टेम्परेचर ड्रॉप भी एब्रप्टली हो रहा है, मेरे को बहुत ठंड लग रहा था अभी। उधर थोड़ा बहुत बादल भी है ऊपर। वी आर नॉट कैरिंग रेनकोट और अम्ब्रेला एनीथिंग, लेट्स गो फर्स्ट। कौन सा क्या है? स्टॉकनर कल्चर। ये स्टॉकनर पे ये यहाँ पे ये उसके हाँ ये उसके तो वैसे तो अभी कासोल का टेम्परेचर दिखा रहा है इट्स अराउंड 8-9 डिग्री बट इट फील्स लाइक 5-6 डिग्री एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बाहर अभी बारिश भी हो रहा है। एंड अभी हम लोग
खाएंगे ये मिक्स फ्रूट ब्राउनीज। आज के लिए व्लॉग को यही पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर कासोल एंड चलाल व्लॉग। कमेंट बॉक्स पे ये जरूर बताना कि ये पांच कैफे में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉम्ब वे फेयर टू गेट नोटिफाइड अबाउट आवर अपकमिंग ट्रैवल व्लॉग्स। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज आई एम roy92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय, मिलते हैं कल।